हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम एक लेसन करेंगे, वन इम्प्रेसिव स्ट्रमिंग पैटर्न। अगर आपने अभी सिंपल वाले स्ट्रमिंग पैटर्न सीख लिए हैं, ना कि आप कुछ सीखना चाहते हो थोड़ा सा इम्प्रेसिव, तो ये वो पैटर्न रहेगा। काफ़ी इजी है ये, एंड मैं आपको इसमें गाने भी बताऊंगा कौन कौन से आप कर सकते हैं, कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको सीखने में ये। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो सीधे शुरू करते हैं हम। इसमें हमने जो इस्तेमाल करना है, मेन इंग्रेडिएंट आप बोल सकते हो, वो है चक्का। ठीक है, ये आपको करना आना चाहिए तो ही आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और यही, इस पे ही मैं ज़्यादा स्ट्रेस भी दूंगा आपको। इसी से सारे पैटर्न आप आगे कर सकते हो, इम्प्रेसिव वाले या कोई भी एडवांस वाले। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जैसे सपोज पिक लेनी है आपने पतली वाली 0.46 mm की। ठीक है, ये 0.71 mm है, आप इससे भी पतली लेना 0.46 mm वाली। जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये, ठीक है, जो हमारा पाम होता है ये पूरा, लेकिन ये वाली चीज़, ठीक है, इसको आपने, जैसे सपोज हम नीचे आ रहे हैं ना, ऐसे 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 ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, तो आपने जैसे हम या मतलब यहाँ पहुँचेंगे ना, तो ये भी रख देना अपना। ठीक है, यही चीज़, ये वाली चीज़ यहाँ ऐसे रख देनी है, और ट्राई करना यहाँ नहीं लेना, ठीक है, इसी साइड लेना, क्योंकि यहाँ थोड़ा आसान होता है। बस यही चीज़ का आपने ध्यान रखना, कैसे जैसे हम ऐसे आएंगे यहाँ, बाय द टाइम हम यहाँ हिट करेंगे ना ऐसे, तो ये भी इधर रख देंगे ऐसे। ठीक है, और पहले क्या करना, पहले सिर्फ ये रखना और देखना कि हाँ म्यूटेड साउंड ही आ रही है ना ऐसे, और आपको पता चल जाएगा कितनी कैसे रखना। मतलब जैसे आपने ये सिंपल इधर रखा है ऐसे, अपना पूरा हाथ, ठीक है, यहाँ रख दिया, और ऐसी साउंड आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कैसे रखना है। ऐसे आए ऊपर से, ठीक है, इसको टच करा देना उसी वक्त, ये वाली चीज़ को, ठीक है, ऐसे जैसे हम यहाँ पहुँचे तो ये भी इधर ऐसे, बस इतनी सी चीज़ है और कुछ नहीं है। बन जाएगा आपका इम्प्रेसिव स्ट्रमिंग पैटर्न। अब डाउन अप्स तो आपको आते ही होंगे, डाउन अप, या मैं आपको बोलूँ एक पैटर्न बता दूँ, ऐड करना कुछ, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, दैट्स इट, यही था इसमें। मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, वो वाली चीज़ चली गई हार्ड पार्ट। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करते रहना ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमने क्या करना है, जैसे ये पैटर्न है, ठीक है, यही आज हमारा पैटर्न रहेगा जो हमने लिखा है, वन इंप्रेसिव स्ट्रमिंग पैटर्न। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, तभी जब आप सिंपल सीख जाओगे उसके आगे ये करना कैसे, और इसके इजी वर्जन भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, इसके इजी भी बताता हूँ मैं आपको, इजी कैसे लेना, बस इसका ही ध्यान रखना आपने। ओके, हम क्या कर रहे हैं, चक अप डाउन, चक अप डाउन, चक अप डाउन, इसको एक रिदमिक वे में लेना है, सिंपल। ओके, ये गाना कौन सा है आपने पहचान लिया होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे वो गाना चलेगा, कॉर्ड्स कौन कौन से हैं, ताकि आप ये गाना ईजिली इस पर प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि ये गाना ही इस स्ट्रमिंग पैटर्न पे है, एंड चक के ईजी वर्जन भी बताऊंगा, तो मज़ा आना चाहिए आपको। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं आपको गाना बताता हूँ, आप इसी गाने के साथ इसको प्रैक्टिस करना, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, फिर मैं आपको इसके ईजी वर्जन भी बताता हूँ, कैसे हम चक के साथ क्या क्या और कर सकते हैं।
तो ऐसे ही चलेगा। इसके आगे के कॉर्ड्स भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई और लेसन देखने की जरूरत ना पड़े अगर आपने पूरा गाना करना है। इसके आगे ऐसे चलता है, तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो जैसे होना था। उसके आगे शुरू हो जाएगा, जो मैं बीच में सोलो बजा रहा था उसके टैब्स भी आप देख लो जल्दी से, ठीक है, वो ऐसे बजेगा। ओके, सिंपल ऐसे। ओके, तो ये था इस गाने के लिए ये वाला। लेकिन अगर आपसे ये नहीं होगा, रिदमिक पैटर्न अभी आपको मुश्किल लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल चक लेना, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ चक लेने की प्रैक्टिस करना एंड सिंपल सिंपल स्ट्रमिंग पैटर्न। जैसे आपको ये पैटर्न आता होगा, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। तो इसमें ना चक बिठाना, पता कैसे, ऐसे डाउन चक अप अप चक अप डाउन चक अप अप चक अप डाउन चक अप अप चक अप डाउन चक अप अप चक अप, ठीक है। नहीं तो कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली पहले ये वाला ही लेने की ट्राई करना, डाउन चक अप चक अप, ठीक है, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा, डाउन चक अप चक अप डाउन चक अप चक अप डाउन चक अप चक अप। देन इसके बाद हम और भी, मैं बड़े सारे पैटर्न इस्तेमाल करता हूँ, फिलहाल आप यही दो करना, पहले इसी से शुरुआत करना, पहले तो सबसे पहले चेक करना सीखना, उसी से शुरुआत करना, देन फिर ये। ये लेने की ट्राई करना, जो भी है इम्प्रेसिव था ये, ठीक है, आई होप आपको भी लगा हो। प्लीज ऐसे ही आपको वीडियोस और चाहिए मेरे को बताना, मैं और सिंपलीफाई इनको करूंगा और चीजें करूंगा जो आपको चाहिए। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया, चैनल को ज्वाइन भी कर लें अगर आपको ज्यादा हेल्प चाहिए। थैंक यू गाइज़।